गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रवीना शेखावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर अस शेखावत बैंकर्स। फ्रेंड्स, एज ऑलवेज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगे देन प्लीज कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा आज का क्वेश्चन, हाल ही में कौन से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा को भंग करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके ऑप्शंस हैं पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख। इसका राइट आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा को भंग करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि किसी भी पार्टी ने मुख्यमंत्री वेलु नारायण स्वामी के इस्तीफे के बाद सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था। पुडुचेरी, राजधानी है पुडुचेरी और राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए 15,000 करोड़ रुपए के खर्च और आईटी हार्डवेयर के लिए 7,350 करोड़ रुपए के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना को भी मंजूरी दी है। हमारा आज का ब्रिक्स फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की पहली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसके ऑप्शन है रूस, भारत, ब्राजील, चीन। इसका राइट आंसर है भारत। भारत ब्रिक्स देशों ब्रिक्स फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स देशों के वित्त और केंद्रीय बैंक के कर्मियों की भागीदारी के साथ साथ आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा की सह अध्यक्षता की गई। ब्रिक्स में बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुई। इसकी थीम थी ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कॉन्सोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, पेरिस जलवायु समझौते के में आधिकारिक तौर पर किस देश ने फिर से शामिल किया है। इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, पाकिस्तान, भारत। इसका राइट आंसर है यूएसए। यूएसए ने पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक रूप से दोबारा ज्वाइन किया इसको, क्योंकि 19 फरवरी 2021 को यूएसए ने औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते में जो कि 2015 में इन्होंने अपनाया था और इसे पीछे हट गए थे, इसको बाद अब भी रिज्वाइन किया है जो बिडेन के प्रशासन में। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने अमेरिका को पेरिस जो जलवायु समझौता है इससे पीछे खींच लिया था और अमेरिका चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रदूषक और सबसे बड़ा उत्सर्जक है कार्बन का। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बजाज ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया, यह कौन से देश के राष्ट्रपति हैं। इसके ऑप्शंस हैं चाड, मोजाम्बिक, नाइजर, लिथुआनिया। इसका राइट आंसर है नाइजर। मोहम्मद बाजुम ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया, ये नाइजर के राष्ट्रपति थे। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति महामने ओस्मान के खिलाफ 55.75% वोट के साथ चुनाव जीता था। इन्होंने 44.25% वोट हासिल किए थे। नाइजर की राजधानी है नीमी, मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, यूएन गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। इसके ऑप्शन है नतालिया कनेम, नतालिया वेडियानाओ यो, महामने ओस्मान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नतालिया वाडियानोवा। नतालिया वाडियानोवा जो कि यूएसए की सॉरी रूस की जो कि सुपर मॉडल है, इनको गुडविल यूएन गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएन की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी ने रूस की सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये महिलाओं और लड़कियों को यौन और उनके अधिकारों को बढ़ावा देकर सशक्त बनाएंगी।
और इसके अलावा इनको इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर 2010 में मिला था यह अवार्ड। इसके अलावा वह 2012 में फोर्ब्स की शीर्ष मॉडल सूचियों में आई थी। इसके अलावा मैटेल ने 2016 में अपने नाम के तहत पहला रूसी बॉर्बी बनाया था। इनको UNFPA इसका नेतृत्व डॉक्टर नतालिया कैनेम कर रही हैं, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, लेवी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जो कि एक अभिनेत्री है, इनको लेवीज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं अरुण कुमार बैनर्जी, गुरुप्रीत सिंह, धनराज चौधरी, दुष्यंत चौटाला। इसका राइट आंसर है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष फिर से चुना गया है। जो अरुण कुमार बैनर्जी है इनको महासचिव चुना गया है, और जो गुरप्रीत सिंह है इनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जो धनराज चौधरी है इनको CEO बनाया गया है, और अब जो ये दुष्यंत चौटाला है ये 4 साल की अवधि के लिए पद संभालेंगे। वे भारत के किसी भी राष्ट्रीय खेल संघ के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं, और ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, 10वां विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी। इसका राइट आंसर है 20 फरवरी। 20 फरवरी को 10वां विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया। पेंगोलिन एक अमेजिन जो स्तनपाई जानवर है और यह कीट बक्सी, चींटियों और दीमक को खाता है। पेंगोलिन की लगभग 8 प्रमुख प्रजातियां एशिया और अफ्रीका में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।